जैन साथियों, तीनों सेनाओं में लागू की गई टीओडी स्कीम को लेकर आज फिर तीनों सेना प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस से युवाओं को एक बार फिर बड़ी उम्मीद थी, उन्हें एक बड़ी आस थी कि शायद सरकार और सेना ने उनकी समस्या, उनकी पीड़ा पर गौर किया हो और आज वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आर्मी एग्जाम कराने व एयरफोर्स का रिजल्ट जारी करने को लेकर युवाओं को जरूर कोई अच्छी खबर देंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार व सेना ने युवाओं को पूरी तरह निराश कर दिया। एक पत्रकार ने युवाओं की पीड़ा को समझते हुए सेना प्रमुखों से सवाल किया कि सर, जिन युवाओं ने फिजिकल मेडिकल पास किया है, जिनका एग्जाम बाकी है, क्या उनका एग्जाम होगा या नहीं? एयरफोर्स का रिजल्ट जारी होगा या नहीं? क्या टीओडी के अलावा जिस तरह अभी तक रेगुलर ओपन सेना भर्ती रैली हो रही है, ये भर्तियां सर चालू रहेंगी या बंद हो जाएंगी? जिस पर एयरफोर्स चीफ ने जवाब देते हुए कहा कि एयरफोर्स भर्ती की प्रक्रिया ही ऐसी थी जो सबसे आगे पहुंची थी, लेकिन अब चाहे एयरफोर्स का रिजल्ट जारी करना बाकी रहा हो या आर्मी का एग्जाम कराना बाकी हो, वो अब नहीं किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यही कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो पुरानी भर्तियां हैं वो सभी रद्द कर दी गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब देश में ओपन सेना भर्ती रैलियां भी नहीं होंगी, अब सिर्फ टीओडी स्कीम के तहत ही तीनों सेनाओं में भर्तियां होंगी। इधर इतना सुनते ही उन युवाओं की उम्मीदें धराशायी हो गई जिन्होंने इसके लिए तीन तीन चार चार साल तक पहले दौड़ की तैयारी की, फिर भर्ती आने पर उन्होंने फिजिकल पास किया, फिर मेडिकल पास किया, डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया से गुजरे और वो फिर इसके बाद सिर्फ एग्जाम का इंतजार कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने 1.5 साल तक इंतजार किया, लोगों से सूद पर, ब्याज पर पैसा लेकर कोचिंगों की फीस भरी, पढ़ाई करी, तैयारी की, लेकिन अंत में नतीजा क्या निकला? वो एग्जाम अब कैंसिल कर दिया गया है। ऐसा ही एयरफोर्स वालों के साथ भी किया गया। उनका तो एग्जाम भी हो गया था, सिर्फ रिजल्ट ही जारी करना था, लेकिन उसे भी सरकार ने रद्द कर दिया। देखिए, जिस तरह के तर्क इस भर्ती को रद्द करने को लेकर सेना के अधिकारियों ने दिए हैं, उनसे मैं व्यक्तिगत तौर पर भी संतुष्ट नहीं हूं और ये तर्क युवाओं के हित में बिल्कुल नहीं है। और इसको लेकर हम अगले वीडियो में उनके तर्कों पर कई सवाल भी खड़े करेंगे। फिर सरकार और सेना के अधिकारियों से हम कहेंगे कि अगर आप सही हैं, आपका तरीका सही है, अगर आपने युवाओं के साथ अन्याय नहीं किया है, तो आप हमारे सवालों के सीधे सीधे जवाब दीजिए। देखिए, टीओडी के विरोध में युवाओं ने जो किया या इस आंदोलन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने जो आगजनी की, तोड़फोड़ की या हिंसक घटनाएं हुई, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब युवाओं को भी शायद यह बात समझ में आने लगी है और अब युवाओं से सोशल मीडिया पर युवा ही यह अपील कर रहे हैं कि वो अपने हक की आवाज़, अपनी मांग शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करें। सरकार को उनकी जायज मांगों को मानना ही पड़ेगा, लेकिन युवाओं को जो रास्ता उन्होंने अभी तक अपनाया है अहिंसा का, वो छोड़ना पड़ेगा। बस युवाओं को जरूरत है तो शांतिपूर्वक अपनी मांगे सरकार के सामने रखने की। इस स्कीम को लेकर और भी बहुत कुछ जानकारियां दी गई हैं, जिसमें चलिए आपको थोड़ा सा बताते चलें कि 24 जून से एयरफोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, 24 जुलाई से इसको लेकर ऑनलाइन पेपर की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, ये एयरफोर्स के लिए है। जबकि आर्मी भर्ती के लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा और अगस्त माह से सेना भर्ती रैलियां शुरू कर दी जाएंगी। साथ ही इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है जो हम आपको अगली वीडियो में बनाएंगे। फिलहाल आपसे एक बार फिर यही कहना चाहेंगे कि युवाओं ने जो अभी तक इस विरोध का तरीका अपनाया है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। ये हिंसा, ये तोड़फोड़, ये आगजनी की घटना देश में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी संपत्ति नष्ट की गई है वो राष्ट्र की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, नुकसान इसमें आपका और हमारा ही है। इसलिए मैं आप सभी युवाओं से अपील करता हूँ कि आप ये तोड़फोड़, हिंसा वाले रास्ते को छोड़िए और आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जायज मांगों को सरकार के सामने रखिए। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।